हेलो स्टूडेंट, टर्निंग पॉइंट टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं सॉइल के एमसीक्यू के पार्ट टू की। पिछले 100 क्वेश्चन होपफुली आपको अच्छे लगे होंगे। पिछले जो 100 क्वेश्चन मैंने कराए, ये वो क्वेश्चंस थे जो जनरली JEE चाहे SSC हो या स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो, उनमें आते हैं। आज के जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं थोड़े से अलग हैं, मतलब थोड़ा सा लेवल पिछले वाले क्वेश्चनों से हाई है। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कुछ बीच बीच में थ्योरी भी आएगी। ज़्यादातर गेट के एक नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो हैं, ये जो पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, तो उनके सॉल्यूशन समेत मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 103 से देखेंगे। लास्ट हमने 102 क्वेश्चन तक किए थे क्वेश्चन, आज 103 नंबर क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूँ। आज क्वेश्चन की क्वांटिटी मैंने 50 ही रखी है। इसका कारण है कि क्वेश्चन काफ़ी टफ हैं और आप लोगों को एक बार अच्छे से एक वही कर सकता हूँ मैं कि आप लोग इनको समझें, अच्छे से करें। इन इस तरह के क्वेश्चन आजकल पूछे जाने लग गए हैं JEE लेवल एग्जाम में, है ना। तो शुरू करते हैं। चलो 103 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक ट्राइएक्सल टेस्ट है जो कंडक्ट किया गया ग्रेनुलर सॉइल पे। ध्यान कीजिएगा, ग्रेनुलर सॉइल है यानी उसमें कोहिजन जीरो है, सी की वैल्यू जीरो हो गई। एट फेलर के ऊपर σ1 और σ3 की वैल्यू क्या, रेशो 4 है। σ1 होता है प्रिंसिपल स्ट्रेस, σ3 होता है माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, इन दोनों का रेशो 4 है। डिफेक्टिव माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस एज फेलर वॉस 100 kPa। σ3 की वैल्यू आपको दे दी 100, तो वैल्यू निकालनी है आपको फाई की, प्रिंसिपल स्ट्रेस डिफरेंट एंड फेलर के ऊपर प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन के अंदर अगर आप कोई एक क्वांटिटी कैलकुलेट कर लें, या तो आप फाई कैलकुलेट कर लें या फिर आप एक तरीके से शेयर स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर ले, दोनों में से जो मैच करेगा वो कर लेना चाहिए, क्योंकि समय थोड़ा कम रहता है और समय को बचाने के लिए हमें किसी एक क्वांटिटी को उसमें कैलकुलेट कर लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे प्रिंसिपल स्ट्रेस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूँगा। कैसे करते हैं ये देखते हैं अभी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 103 का सॉल्यूशन, σ1 और σ3 का रेशियो 4 है, यानी σ1 बेस बराबर 4σ3 हो गया। मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस फेलर पे क्या होता है, σ1 माइनस σ3, तो 4σ3 में से मैंने σ3 को माइनस कर दिया, 3σ3 आ गया। तो सिग्मा फेलर पे कितना हो गया, 3 × 100, 300 kPa। तो हमें ये देखना है कि इनमें से 300 ऑप्शन मुझे कहाँ मिल रहा है। तो मेरे को शायद ऑप्शन सी में मिल रहा है, जाके देखता हूँ मैं सी ऑप्शन मेरा, यहाँ पे सी ऑप्शन है। मैं चाहता तो 37 डिग्री भी निकाल सकता हूँ, थोड़ा सा TDS पड़ जाएगा, सिंपल इसमें हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सैचुरेटेड सॉइल डिपॉजिट है जिसकी डेंसिटी 22 kN/m³ है और इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन एट 5 मीटर डेप्थ विल बी। एक सैचुरेटेड है ना, गीली मिट्टी है, यानी जिसके अंदर पानी और सॉलिड दोनों है, उसका इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है 5 मीटर पे। तो इफेक्टिव स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो यहाँ पर आपका टोटल स्ट्रेस दे रखा है मेरे को 22 kN/m³, पोर वाटर प्रेशर 9.81 होता है। तो इसी को ओपन करने की कोशिश करें, अगर सॉइल सॉल्यूशन के अंदर आप नीचे देखेंगे गामा सैचुरेटेड 22 kN है, इफेक्टिव स्ट्रेस 22 - γ 12 आ गया, 5 मीटर डेप्थ पर निकालना है, तो 12 × 5 60 kN/m² आंसर इसका सी है। तो सी आपका क्वेश्चन यहाँ पर सही है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या आंसर है इसका। ये देखिए आपका आंसर यहाँ पर सी, 60 kN/m हमारा ऑप्शन दिखा रहा है, तो यहाँ पर मैं सी ऑप्शन को कंसिडर करके चलूँगा। नेक्स्ट आ रहा है, द इंटेंसिटी ऑफ वर्टिकल स्ट्रेस σz एट डेप्थ ड्यू टू पॉइंट लोड एक्टिंग ऑन सरफेस और सेमी इनफाइनाइट इलास्टिक सॉइल मासेस।
अब आपको क्या करना है, सिग्मा जेड निकालना है पॉइंट लोड के लिए पर्टिकल स्ट्रेस। तो इसके लिए एक इक्वेशन काम आती थी, बुसीनेस इक्वेशन, मैंने लिखाई भी थी, और अगर आप लोगों को याद नहीं है तो फिर से मैं आप लोगों के सामने लेके आता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 105, सिग्मा जेड इक्वल्स टू 3q/2πz²(1/1+r/z²)^5/2। अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डेप्थ से क्या रिलेशन है, तो डेप्थ से रिलेशन क्या है, वर्टिकल स्ट्रेस उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी इसका आंसर डी होना चाहिए। देखते हैं हमारे डी के अंदर ऐसा दिख रखा है क्या, यस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डेप्थ, यहाँ पे जेड डेप्थ को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसका आंसर आपका डी आएगा। न्यूमार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट फॉर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन 10 कॉन्सेंट्रिक सर्किल एंड 10 रेडियल्स 9, द इन्फ्लुएंस फैक्टर इस चार्ट, रट लेना इसको, 0.001 होता है इसका इन्फ्लुएंस फैक्टर, चाहे कितनी भी लाइनें हो। तो इसका आंसर सी होगा यहाँ पर आपका, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप इसको सीधा याद कर सकते हैं क्योंकि रेडियल लाइन्स होती 10 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉन्सेंट्रेट लोड 52x वर्टिकली ऑन एट ए पॉइंट ऑन द सॉइल सरफेस, इफ बोसिनेस इक्वेशन इज अप्लाइड इन कंप्यूटेशन ऑफ स्ट्रेस, देन रेशियो ऑफ वर्टिकल स्ट्रेस एट डेप्थ ऑफ 3 मीटर एंड 5 मीटर रिस्पेक्टिवली। देखिए जस्ट बिलो द पॉइंट लोड के लिए जब हम बोसिनेस इक्वेशन में को मॉडिफाई करते हैं तो फॉर्मूला आता है आपका 0.48q/z². एक रिलेशन है, आप लोगों को याद नहीं तो मैंने सॉल्यूशन में लिख दिया, अभी आप देख सकते हैं, अगर मैं लिखाया नहीं हो नोट्स में तो आप इसको याद कर लें। तो ये देखिए आपके सामने लिख रखा है, वर्टिकल स्ट्रेस एट पॉइंट जस्ट बिलो द लोड सिग्मा जेड इक्वल्स टू 0.8 48q/z². अब इस पूरे फॉर्मूले में ये देखेंगे आप तो क्यू बाय जेड के अलावा बाकी सब चीज कॉन्स्टेंट है ना। तो जब इसके अंदर हम क्यू और जेड की वैल्यू 3 मीटर 5 मीटर और 50 रखेंगे, उनका रेशो लेंगे तो 2.77 आता है, आपकी स्क्रीन पर दिख रखा है। तो इसका ऑप्शन मेरे हिसाब से डी आना चाहिए, ठीक है ना, तो डी इसका ऑप्शन सही है हमारे लिए आज। ठीक है, द रेशियो ऑफ एनर्जी इम्पार्टेड ऑफ सॉइल सैंपल इन मॉडिफाइड प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट एंड द स्टैंडर्ड प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट इज अबाउट। आप एक मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट कर रहे हैं उसकी जो एनर्जी इम्पार्ट कर रहे हैं, और एक स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट कर रहे हैं उनकी एनर्जी इम्पार्ट कर रहे हैं, उन दोनों का रेशो ले तो उसका रेशो 4.5 आता है, इसको याद कर लो। ये बहुत बार क्वेश्चन ईएस और गेट में पूछा जा चुका है, अगर कोई ईएस मास्टर की या फिर मेड इजी की हैंडबुक पढ़ रहा है सॉइल की तो उसके अंदर भी आपको ये सीधा सीधा लिखा हुआ मिलेगा, है ना। तो इसके एनर्जी का रेशो 4.5 होता है, याद कर ले। वेस्टरगार्ड एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन मीन लोडेड एरिया, देखिए वेस्टरगार्ड एनालिसिस स्ट्रेटिफाइड सॉइल के लिए होता था, तो यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड सॉइल वाला ऑप्शन सी जो है एकदम सही आंसर बता रहा है मेरे को। नेक्स्ट है, यूजिंग मोहर डायग्राम द रिलेशन बिटवीन मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड फाइनल माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 3 एंड शेयर पैरामीटर C5 इज गिवन इन सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 3 N5+2C√N5। N5 की वैल्यू क्या होगी, N5 की वैल्यू होती है 10² (45+5/2), ठीक है ना, 45+5/2 होती है। तो 10² (45+5/2) को अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिकली सॉल्व करूं तो उसको मैं 1 - sin5/1+sin5 लिख सकता हूं, तो यहां पर मेरा ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, ठीक है ना। फॉर्मूले देखो याद रखने पड़ेंगे, इसका कोई इलाज नहीं है, सब लिखा हुआ है आपको। ये जो 111 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मुझसे भी हुआ नहीं क्योंकि इसने 10 की टर्म्स में नहीं साइन की टर्म्स में पूछा है, ये क्वेश्चन में कुछ डाटा मिस्टेक है, मिसिंग डाटा है, क्योंकि इसमें ना तो इन्होंने कोई फाइल दिया ना कोई बात। आप लोगों को समझ में आया तो बताना, ये क्वेश्चन मैं भी नहीं कर पाया, इसके डाटा मुझे मिसिंग लगे। मैं स्विच ऑन करता हूँ 112 नंबर क्वेश्चन पे। एक अनड्रेन ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट है, सैचुरेटेड क्ले सैंपल पे किया जा रहा है, जिसके ऊपर सेल प्रेशर 100 किलोन्यूटन और डेविएटर स्ट्रेस 200 किलोन्यूटन है। द कोहेजन ऑफ गिवन सैंपल, कोहेजन सी निकालना है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन।
मैंने सारे जो अच्छे क्वेश्चन है सबके सॉल्यूशन किए हैं। तो देखिए ये इक्वेशन होती है वर्टिकल स्ट्रेस की, सिग्मा थ्री सिग्मा वन बराबर सिग्मा थ्री टेन स्क्वायर 45 प्लस 5 बाई 2 प्लस 2 सी टेन 45 माइनस 5 बाई 2। अब देखिए यहाँ पर जो फाई है आपका वो जीरो होगा, क्यों? क्योंकि सैचुरेटेड क्ले है, जब क्ले सैचुरेटेड होती है तो फ्रिक्शन एंगल जीरो हो जाता है। तो इस पूरी कंडीशन में जो आपकी 10 वाली टर्म है वो पूरी जीरो हो गई। तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं 300 बराबर 100 प्लस 2 सी, तो सी बराबर 100 आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन बी में दिखा रहा है। तो मेरा आंसर इसका बी आएगा, ठीक है? तो यहाँ बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। द पोरोसिटी ऑफ सॉइल सैंपल विच परमिट्स फ्लो ऑफ वाटर थ्रू इट्स इंटरकनेक्टेड वॉइड इज कॉल्ड, क्या कहलाती है? पोरोसिटी सॉइल की, जो पानी को उसके इंटरकनेक्टेड वॉइड से फ्लो होना प्रोवाइड करे उसको हम परमिएबिलिटी कहते हैं। टाइप ऑफ फ्लो विच ऑल लिक्विड पार्टिकल्स मूव पैरेलल विदाउट क्रॉसिंग द पाथ ऑफ, मतलब पानी बह रहा है किसी भी मीडियम में एक दूसरे के पाथ को, एक दूसरे के रास्ते को बिना रोके, तो ऐसे फ्लो को हमेशा लेमिनार फ्लो कहेंगे। परमेबिलिटी ऑफ सॉइल इज अफेक्टेड बाय, परमेबिलिटी सॉइल की किससे अफेक्ट होती है? सबसे होती है, ग्रेन साइज से होती है, वॉइड रेशो से भी होती है, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट से भी होती है। तो डी इसका आंसर है। द लॉ दैट स्टेट्स दैट लेमिनार फ्लो इन सैचुरेटेड सॉइल द वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, क्यू इक्वल्स टू के आई ए, कौन सा फॉर्मूला था? डार्सी फॉर्मूला था। अब वही क्वेश्चन इन्होंने नीचे भी पूछ लिया अपन से, देखते हैं। देखो डार्सी लॉ की क्या इक्वेशन है, क्यू इक्वल्स टू के आई ए, तो यहाँ पे सी जो है मेरे को सही आंसर लगता है। परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल वेरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ ग्रेन साइज, तो ये फॉर्मूला था k इक्वल टू सी डी टेन स्क्वायर, तो डी टेन इफेक्टिव साइज है, तो ग्रेन साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया डी, ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डार्सी लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू सीपेज थ्रू सॉइल इफ, डार्सी लॉ की वैलिडिटी क्या थी? वो तब तक वैलिड रहेगा जब तक आपका फ्लो लेमिनार रहे, जैसे ही फ्लो टर्बुलेंट हो जाएगा वो इनवैलिड हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। पर कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की डायमेंशन यानी यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर पर सेकंड होती है। द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू वॉइड रेशियो ई एस, के बराबर ई क्यूब अपॉन वन प्लस ई, लिखाया भी है मैंने नोट्स में, ये आपको नहीं याद है तो आप ये रट लीजिए, ठीक है? इफ द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज यूनिटी देन द रेशियो ऑफ फ्लो, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता था? हाइड्रोस पर यूनिट लेंथ, वो जीरो हो गया, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को, ठीक है ना? व्हेन द सॉइल हैज कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी एज 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, कोई भी सॉइल है उसकी परमेबिलिटी 10 सेंटीमीटर है, बहुत ज्यादा है, तो वो डेफिनेटली ग्रेवल को प्रदर्शित करेगा, बहुत ज्यादा स्पीड से पानी बह रहा है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 124 से। व्हेन अ सॉइल हैज कोफिशियंट ऑफ परमिएबिलिटी एज 1 mm पर सेकेंड, 1 mm पर सेकेंड हो तो भी ज्यादा है, वो सैंड को रिप्रेजेंट करेगा। वाइब्रेटरी रोलर का इस्तेमाल किस कॉम्पेक्शन में किया जाता है? देखिए गेट 2008 का क्वेश्चन है, वेल ग्रेडेड ड्राई सैंड के लिए किया जाता है, ये सारे आपको लिखा है मैं कौन सा किसके लिए आता है। व्हेन कोफिशियंट ऑफ परमिएबिलिटी इज 0.00001 यानी 10^-5 है, तो किसको प्रदर्शित करेगा? क्ले को प्रदर्शित करेगा। अगर कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी 10^-5 सेंटीमीटर सेकंड है तो सॉइल कैसी है? इम्परवियस होगी। अगर इसी प्रकार से परमिएबिलिटी 10^-2 सेंटीमीटर पर सेकंड है तो सॉइल कैसी होगी? बिल्कुल परवियस होगी, आराम से पानी जा सकेगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो आने लगे छोटे छोटे। अकॉर्डिंग टू ISI क्लासिफिकेशन द सॉइल हूज कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी इज मोर देन 10^-4, 10^-4 से ज्यादा यानी 10^-5 है, पूछने का तरीका चेंज है। क्वेश्चन नंबर 126, 27 और 29 एक जैसे ही क्वेश्चन है, पूछने का तरीके अलग है, तो इन सब का आंसर इम्परवियस आएगा आपका, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट ऊपर हमारा। द लाइन ऑफ डिटर्मिनेशन बिटवीन परवियस एंड इम्परवियस, तो देखो माइक्रोन में होता है 10^-3, तो 10^-3 mm
पर सेकेंड या 10 की पावर माइनस 5 एम एम सेंटीमीटर पर सेकेंड में लिखूं तो इसका ऑप्शन मेरा सी सही है। यानी वो लाइन जो परवियस और सेमी परवियस या इम्परवियस के बीच की होती है वो क्या होती है, 10 की पावर माइनस 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड परमिएबिलिटी की वैल्यू, तो इसका आंसर सी आएगा। अ सॉइल विच इज मोस्ट सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन डैम, अब आपको डैम बनाना है तो उसके लिए कोफिशियंट ऑफ परमिएबिलिटी 10 की पावर माइनस 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से कम नहीं होनी चाहिए। अब कोफिशियंट ऑफ परमिएबिलिटी निकालनी एक अंडरग्राउंड स्ट्रेटम की, है ना, जिस के की वैल्यू दे दी, डिस्चार्ज वेल का 20 मीटर स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादातर लोग घबरा के छोड़ देते हैं, छोड़ने नहीं है, देखिए कितने छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। क्यू इक्वल्स टू के आई होता है, के की वैल्यू आपको दे रखी है 0.001 × 1 × 20, 0.02 मीटर पर क्यूब पर सेकंड आ गया। अब ऊपर आपका लीटर पर मिनट में निकालना है तो पहले मेरे को इसको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या करूँगा, 60 से गुणा कर दूंगा, 1.2 मीटर क्यूब पर मिनट, और जब मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से गुणा करते हैं, तो 1200 LPM इसका आंसर है, सी इज द राइट आंसर, है ना। होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। द कर्व शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन ड्राई यूनिट वेट एंड वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल फॉर गिवन कॉम्पेक्शन में कौन सा कर्व बनता था, मॉइस्चर डेंसिटी कर्व बनता था, तो इसका आंसर बी सही होगा। द डेंसिफिकेशन ऑफ सॉइल बाय मशीन इज कॉल्ड, मशीन से कोई चीज को डेंस करते हैं तो वो कॉम्पेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ ड्राई यूनिट वेट ऑफ अ सॉइल टू मैक्सिमम यूनिट वेट इज कॉल्ड ऑफ मैक्सिमम यूनिट वेट ऑब्टेन इन लेबोरेटरी कॉम्पेक्शन टेस्ट इज परसेंटेज ऑफ कॉम्पेक्शन, परसेंटेज कॉम्पेक्शन कहलाता है वो, ए आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 136। द स्लोप ऑफ लीनियर पोर्शन ऑफ द प्रेशर वॉइड रेशियो ऑन सेमी लॉक प्लॉट, सेमी लॉक ग्राफ कंप्रेशन इंडेक्स का बनता था, तो इसका आंसर बी आएगा। ग्रेजुअल रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास रिजल्टिंग फ्रॉम एन इंक्रीज इन एंड कंटिन्यू एप्लीकेशन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस एट इज ड्यू टू एक्सपल्शन ऑफ वाटर, सॉइल के ऊपर धीरे धीरे लोड के कारण पानी का वॉइड्स में से बाहर आना क्या कहलाता है, सबको पता है, कंसोलिडेशन कहलाता है। कंपेरेटिवली सडन रिडक्शन इन वॉल्यूम, अचानक से सॉइल के वॉल्यूम में चेंज हो जाना किसकी निशानी है, इनिशियल कंसोलिडेशन की, लोड लगाते ही इनिशियली चेंज हो गया वो आपका इनिशियल कंसोलिडेशन कहलाता है। द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ कंसोलिडेशन एट गिवन डिस्टेंस फ्रॉम ड्रेनेज सरफेस एंड एट गिवन टाइम टू द टोटल अमाउंट ऑफ कंसोलिडेशन इज नोन एज कंसोलिडेशन रेशियो कहलाएगा। द रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास कॉज्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ सस्टेन लोड टू द मास एंड ड्यू टू एडजस्टमेंट, सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज होने के कारण, पानी एक्सपल्ड नहीं हो रहा खाली इंटरनल स्ट्रक्चर एलिमेंट चेंज हो रहा है, तो ऐसा आपका सस्टेन लोड के अंदर में सेकेंडरी कंसोलिडेशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये था आपका 140 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। सामने आपके एक कर्व दिख रहा है, ई लॉग पी कर्व, ये किसका कर्व है, नॉर्मल का है, ओवर का है, अंडर का है, कंसोलिडेटेड का है, तो एक आपको फिगर दिखाता हूं मैं, ये इस तरीके का ई लॉग पी कर्व होता है, ऊपर ओसी ओवर कंसोलिडेट होता है फिर नॉर्मल कंसोलिडेटेड होता है, तो जो मेरा कर्व है वो थोड़ा सा ओवर कंसोलिडेटेड की तरफ ही जाता हुआ दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर बी ऑप्शन को दूंगा, बी एकदम सही आंसर है। इनमें से कौन सा अजम्पशन तर्जागी की थ्योरी से मैच नहीं खाता है, तर्जागी की थ्योरी के अजम्पशन क्या थे, अभी सब में पढ़े हैं, तो सी ऑप्शन ऐसा है, वाटर इज कंप्रेसिबल वाइल सॉइल पार्टिकल्स आर इनकम्प्रेसिबल, पानी कभी कंप्रेसिबल हो ही नहीं सकता है। देखिए मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि मैं सारे ऑप्शन पढ़ूंगा तो क्वेश्चन सारे कराने में बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना, तो आप इनको स्किप कर सकते हैं, मतलब आप, मैं बता रहा हूँ आपको जब क्वेश्चन लगाने हैं पढ़ने हैं वीडियो से तो आपको क्वेश्चन के सारे ऑप्शन पढ़ने हैं, ठीक है ना, तो चलिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्ले सैंपल है, इसका वॉइड रेशियो दे रखा है आपको 0.5 और स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 दे रखा है, श्रिंकेज लिमिट दे रखी है। अब क्या ऐसे क्वेश्चनों में हम गलती कर बैठते हैं, श्रिंकेज लिमिट पूछ ली तो श्रिंकेज लिमिट है तो वाटर कंटेंट ही, आपको क्या दे रखा है वॉइड रेशियो दे रखा है। अब ड्राई स्टेट के अंदर अगर ये गलत है, इसमें प्रिंटेड सैचुरेटेड स्टेट होना चाहिए था, अदरवाइज ये क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन ही मैच नहीं करेंगे। तो ये मैंने एक निष्कर्ष निकाला कि यहाँ पे सैचुरेटेड होना चाहिए था स्टेट। तो छोटा सा सॉल्यूशन है इसका, ई दे रखा है 0.5, जी 2.7, एस 1 होगा फुल्ली सैचुरेट के लिए, ई बराबर डब्ल्यू जी अपॉन एस होता है, इसमें पुट करेंगे तो 18.51% आंसर आएगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ पर कहा गया 18.5%, ठीक है ना, तो मेरा इसका आंसर सी आएगा। नेक्स्ट, एक बेड ऑफ सैंड है जो कंसिस्ट कर रहा है 3 हॉरिजॉन्टल लेयर डार्सी के, मतलब स्ट्रेटिफाइड लेयर है एक के ऊपर एक, तो उसमें मुझे हॉरिजॉन्टल फ्लो और वर्टिकल फ्लो का रेशियो निकालना है अगर सभी लेयर्स में के की वैल्यू बराबर हो और जेड सबका यानी डेप्थ सबकी सेम हो। तो इसका आंसर लगभग लगभग सही निकला है, पूरा आंसर नहीं निकल पाया था क्योंकि एग्जैक्ट ऑप्शन में नहीं आ रहा था इसका। ये देखो मैंने किया है, हॉरिजॉन्टल फ्लो का इक्वेशन ये होती है K1Z1+K2Z2, इस तरीके से निकाला तो 3K वैल्यू आई इसकी और KV की वैल्यू निकाली और इन दोनों का रेशियो लिया तो 3:1 आया, जो कि नियरेस्ट आपके 2.8:1 के बराबर है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 2.8 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गलत है, 145 है, कह रहा है एक सॉइल है जिसकी लिक्विड लिमिट 0% है और प्लास्टिक लिमिट 35% है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी सॉइल की लिक्विड लिमिट 0 हो जाए और प्लास्टिक लिमिट 35 हो जाए, तो ये क्वेश्चन गलत है, इसको नहीं करेंगे। ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी एंड यूनिट वेट ऑफ परकुलेटिंग फ्लूड आर रिड्यूस टू 70% एंड 90%, अदर थिंग बीइंग कॉन्स्टेंट द चेंज इन कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी, है ना, टेम्परेचर चेंज होने के कारण, विस्कोसिटी में चेंज होने के कारण के और आपके यूनिट वेट और विस्कोसिटी चेंज हो गए। तो यूनिट वेट और विस्कोसिटी के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता था हमारा, तो एक छोटा सा फॉर्मूला लगता था, ये नीचे लिखा हुआ है मैंने, K=1/CS²γW/μ। अब सी एस स्क्वायर तो यहाँ पर कांस्टेंट लेंगे हम क्योंकि तो इसका कोई रोल नहीं है, तो गामा डब्ल्यू अपॉन म्यू, गामा डब्ल्यू 0.9 हो रहा है और 90% घट रहा है यानी 90% बच रहा है यानी 0.9 बचा, और यूनिट वेट आपका ये मैंने गलती से गामा डब्ल्यू लग दिया, म्यू आना चाहिए, 70% रह गया तो 1.28 आ गया। पहले वन के की वैल्यू 100% होती थी, अब 1.28 रहेगी यानी के 28% बढ़ गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका 28.6 बी ऑप्शन दिख रहा है आपका, ये इसका एकदम सही आंसर है जो आपको दिख रहा है। हालांकि इतने टफ क्वेश्चन आते नहीं है एग्जाम में जेईन लेवल में, फिर भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ये क्वेश्चन आने लायक है, एक स्टैंडर्ड प्लास्टिसिटी चार्ट है उसमें जो एक्स है वहां की सॉइल कौन से ग्रुप की होगी। तो देखिए तीन मैंने रेंज बताई थी, लेस देन 35% कौन थी, CLML ग्रुप होता था, 35-50 होता था CIMI ग्रुप, और 50% से ग्रेटर होता था CHMS ग्रुप। तो यहाँ पर ये एक्स आपका 35 से 50 के बीच में है, तो इसका ऑप्शन आई थिंक CIMI के ग्रुप के आसपास होना चाहिए, क्ले ऑफ इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आने लायक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को ये, एक फाइन डिपॉजिट में एन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जी है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होगा क्रिटिकल अगर सॉइल में बॉइलिंग स्टार्ट हो जाए, है ना, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होता है। देखिए क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है G-1/1+E और E की वैल्यू होती है N/1-N, तो E की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दी तो G-1×1-N, ये रिलेशन मेरा क्या आता है A आता है, तो यहाँ पर इसका आंसर मेरा क्या होगा A। अच्छा क्वेश्चन है, एक अपवर्ड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट फॉर सर्टेन मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशिएट द फिनोमिनन,
यानी आई की क्या वैल्यू होगी जिस पे जस्ट ग्रेनुलर सॉइल के लिए बॉइलिंग यानी क्विक सैंड कंडीशन होनी शुरू हो जाए। तो ये थोड़ा एक ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आने लायक नहीं है, गेट लेवल का क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाए। तो देखिए आई सी का फॉर्मूला होता है जी माइनस वन अपॉन वन प्लस ई। तो ज़्यादातर जी की वैल्यू 2.6 और ई की वैल्यू 0.6 रहती है क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट में। इन दोनों वैल्यूज को पुट करें तो 1 के करीब आंसर आता है। तो इसका ऑप्शन है सी, यहाँ पर सी जो है इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सॉइल की पोरोसिटी है वो 80% है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 है, तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट क्या होगा। काफी आसान सा क्वेश्चन है, देखते हैं। चलो दे रखा है आपको पोरोसिटी, तो वॉइड रेशो निकाल लेंगे, 4 आ गया। और आईसी का फॉर्मूला क्या होता है, जी माइनस वन अपन वन प्लस सी, पुट करके आंसर निकाला 0.34 आया। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, ए, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में नजरें बहुत तेज चाहिए फ्लो नेट वाले में, है ना। अब इसको आप स्किप ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 152 क्वेश्चन है, वो मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ता हूँ, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना है, थोड़ा सा करना है, ये हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तो ये मैं आपको देता हूँ, आपको करना है। ठीक है, कुछ नहीं है आपको, खाली वी अपॉन वी वी खाली इनकी वैल्यू देख के पुट करके फॉर्मूले में आंसर निकालना। ठीक है, चलो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के वीडियो का, गेट 2012 का है। एक को इफेक्टिव स्ट्रेस फ्रिक्शन एंगल है, सैचुरेटेड सॉइल है, कोहेजन लेस सॉइल है, उसकी वैल्यू 38 डिग्री है, तो रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू नॉर्मल इफेक्टिव स्ट्रेस फेलियर प्लेन पे क्या होगा। एक सैचुरेटेड कोहेजन लेस सॉइल दे दी है ना, यानी कोहेसिव सॉइल है, तो उसमें सिग्मा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसका सॉल्यूशन है अपने पास, तो आपके पास क्या इक्वेशन होती थी शियर स्ट्रेंथ की, टो इक्वल्स टू सी प्लस सिग्मा टेन फाई, कोहेजन लेस सॉइल के लिए आपका सी 0 हो जाएगा, टो बराबर सिग्मा टेन फाई रहेगा। क्वेश्चन पूछ रहा है शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस का रेशियो क्या होगा, तो वो होगा टो बाय फाई इक्वल्स टू 10/38, फाई की वैल्यू आपको दे रखी है, उसको सॉल्व करें तो 0.78 आएगा, और 0.78 आंसर किसका दिखा रहा है, ए ऑप्शन का। तो आज के ज़्यादातर आपके जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल बेस्ड आए हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आएंगे, कोई भी समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी कि ये क्वेश्चन मेरे को नहीं समझ में, आप ही समझाओ, पर मैं उम्मीद करूँगा आप इन क्वेश्चनों को प्लीज़ करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन क्या है कि मिलते नहीं हर जगह और हम छोड़ के भी चले जाते हैं, और यही क्वेश्चन कहीं ना कहीं पड़ जाते हैं, ये बोनस क्वेश्चन है समझ लीजिए, हमें जो फ़ायदा कराते हैं, ठीक है ना। तो थोड़े से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आपको आज करवा दी मैंने सॉइल के अंदर, एक लास्ट वीडियो कल और डालूंगा, उसके बाद सॉइल खत्म करके हम इरीगेशन के क्वेश्चन पे जाएंगे, स्विच ऑन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा कल होगा, सॉइल का अगला पड़ाव या नेक्स्ट क्वेश्चन आप कह सकते हैं। ठीक है, जब तक के लिए मैं रोहित व्यास साइनिंग ऑफ, थैंक यू।